श्री राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। खाटू श्याम जी के से ये मोर पंख मुझे प्रभु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। आप सभी को पता है आज मैंने अपने खाटू श्याम जी और राधे नारायण जी के आगे अरदास लगाई है। आई होप आप सब भी, आपकी ब्लेसिंग, आपकी दुआ से वो अरदास जरूर लग जाएगी। तो आज के दिन आप लोग जरूर मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रार्थना करें, और आप सबके लिए तो मेरी ब्लेसिंग, मेरी दुआएं हमेशा साथ रहेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक लेते हैं कि अगर आपके फाइनली नो कॉन्टैक्ट किसी का टूटा है, आपने कॉन्टैक्ट किया है अपने पर्सन को या उन्होंने आपको किया है, और कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आप दोनों की बनी हुई है, तो चलिए देखते हैं उस सिचुएशन में, यानी कि बात होने के बाद आफ्टर ऑल आपके पार्टनर का क्या रिएक्शन रहेगा आपके टूवर्ड, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम की टॉपिक क्या है हमारी। तो अगर जिनको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ माय डियर एक बार रिवर्स करके जाके समझ लीजिएगा। प्लीज़ रिवर्स बताएं क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के सिचुएशन। ओके, प्लीज़ रिवर्स बताएं। देखो, जो टॉपिक लिया था उसी टॉपिक से एनर्जी आ गई है। तो यस, जो सिचुएशन है आप लोगों की, अगर बात हुई है और आप लोगों की सिचुएशन उतार चढ़ाव है, तो इस समय आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इस समय ये इंसान जो है कहीं ना कहीं उन्हीं बातों को लेकर जो है सोच रहे हैं, और आपको किसी भी तरीके से, मतलब साथ में फैमिली की साथ में लेके चलना चाहते हैं, बट क्या है पास्ट में ये अपनी फैमिली की तरफ गए हैं। सिचुएशन ये दिखा रहा है, फैमिली हो चाहे कोई सिचुएशन हो या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो उसमें ये गए हैं आपको छोड़कर किसी बुरी हालात में, और थर्ड पार्टी के साथ जो है इन्जॉयमेंट में गए हैं ये इंसान। तो कहीं ना कहीं अभी ये इंसान उन सभी चीज़ों को सोच रहे हैं, उन सभी बातों को ये इंसान जो है बहुत डीपली सोच रहे हैं। आपके पास इन्होंने बहुत देर की है, आपको बहुत वेट कराया है ये इंसान ने, इस बारे में भी ये इंसान जो है सोच रहे हैं। लड़ाइयाँ हुई हैं, देखो सिचुएशन तो ख़राब हुई है, इनको मालूम है ये बात, ये सोच रहे हैं। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, फाइव ऑफ वैंड्स जो है एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के ही बताते हैं, आपस में बातें, लड़ाई, झगड़े, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये उसी सिचुएशन में है ये। यस, ये थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ ये इंसान गए हैं, लेकिन बट इमोशन आपके लिए है, आपको दुखी किया है इस इंसान ने उस बात को, ये सोचते हैं। अब वहाँ से निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको किसी भी तरीके से, जो भी सिचुएशन है ये वो अभी की सिचुएशन है, करंट में आपके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये आपको लेकर क्या एक्शन लेंगे आगे। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या एक्शन लेंगे? सिचुएशन तो बिल्कुल घमासान युद्ध की तरह चल रहा है, आपके सामने ही कार्ड है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या एक्शन लेंगे ये, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या एक्शन लेंगे ये, क्या एक्शन लेंगे। ओके, तो कार्ड सारे उल्टे हैं इसलिए इसको सीधे लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आगे चल के ये इंसान जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड है, लेकिन इस समय इन दोनों के कार्ड को देख के मुझे जो फील हुआ है वो एक सेलिब्रेट का है और आपके साथ यूनियन का है। ठीक है, फिर भी हम एक बार क्लेरिफिकेशन ले लेंगे, कंफर्मेशन ले लेंगे अपने डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स, नारायण श्री खाटू श्याम जी बताइए क्या है ये, प्लीज़ यूनिवर्स। यस, बिल्कुल सेम, ये इंसान
इनको रिग्रेट है कि ये थर्ड पार्टी में गए थे, ठीक है। अब ये वहाँ से छूटकर ये आपके साथ जो है रियूनियन करेंगे, रियूनियन की एनर्जी आई है। इनका नेक्स्ट स्टेप यही है, ये थर्ड पार्ट हो सकता है कि किसी किसी थर्ड सिचुएशन को ये ना छोड़ पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी या तो उनसे छिपके या तो उनको, मतलब क्योंकि यहाँ पे ढक्कन बंद है, थर्ड पार्टी से मतलब बिना बताए भी हो सकता है, अगर मदर है तो, फैमिली है तो, अगर जॉब कैरियर में है, मतलब किसी को पता ना चले तो ये इंसान इस तरह का एक्शन लेंगे। मतलब किसी को मालूम नहीं होगा कि आप लोग यूनियन में आ चुके हो या यूनियन आपके पर्सन आपके साथ कर रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। तो उनको मतलब उनसे छिपकर ही आपके साथ यूनियन होने करने के लिए ये आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या ये सही रहेगा हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या ये सही रहेगा। देखिए लीगली तरीके से आपको जो है अपने पर्सन से क्लियर कट बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जस्टिस का कार्ड आया है, यस, ये ठीक नहीं रहेगा। आपको जो है अपने पर्सन से क्लियर कट कम्युनिकेशन करना होगा और अपने पर्सन से जो है थर्ड पार्टी के बारे में क्लियर कट बात कीजिए, आपके लिए यही निकल के आया है, ठीक है। आप जो है यस, तभी आपकी हैप्पी फैमिली या हैप्पी रियूनियन होगा। अगर फिर कॉम्प्लिकेट बनता हुआ नज़र आ रहा है, फिर भी मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी को बिना बताए अगर आप लोगों के पास आ रहे हैं तो क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ये, प्लीज़ यूनिवर्स, क्या ये इनको फिर एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ यूनिवर्स, क्योंकि कभी कभी जो है हमारे प्लैनेट का और हमारे डिवाइन का प्लान कुछ और होता है ना। तो हम चलो यहाँ पर कन्फर्म कर लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए यहाँ भी डिवाइन आपको कह रहा है कि टावर मोमेंट रिवर्स में है, यस, आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए बट डिवाइन को सरेंडर करते हुए, ठीक है, क्योंकि डिवाइन ही आपके लिए रियूनियन लेकर आ रही है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए पर पूरी सच्चाई की तरह। आप अगर कुछ लग रहा है कि ये आपसे कुछ छिपा रहे हैं तो वो चीज़ जानने की ज़रूरत है। यदि आप कुछ छिपा रहे हो तो आपको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब एक तरीके से दोनों की तरफ से सच्चाई होनी चाहिए, भले ही थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के साथ हो चाहे ना हो, लेकिन आप दोनों में सच्चाई पूरी होनी चाहिए। डिवाइन इस कनेक्शन के साथ है तो यस, रियूनियन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये थी आज की ओवरले आप लोगों की रीडिंग माय डियर। अगर आप लोग कनेक्ट कर पाए हो तो कुछ नहीं, लाइक भी मत कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। सब्सक्राइब अगर नहीं करना चाहते तो वो भी मत कीजिएगा, बस दुआ कर दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, दुआ कीजिएगा, क्योंकि हम भी तो आप ही की तरह है ना, इन्हीं की शरण आते। तो सभी को श्री राधे राधे।